सो गाइज, आज हमारे सामने जो गाड़ी आप देख रहे हैं, जो कि आपको ग्लोबल एनकैप में आपको 5 स्टार रेटिंग है आपका अचीव कर चुकी है, साथ साथ ही आपका जर्मन ब्रांड है, जिससे जो आपको क्वालिटी मिलते हैं और जो प्रीमियमनेस मिलता है इस गाड़ी में, और जो सेफ्टी दिया गया है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। जो कि आप फॉक्स वैगन का आपका टाइगून देख पाएंगे, 1.0 लीटर TSI मैनुअल ट्रांसमिशन का आपका टॉप वेरियंट आप हमारे सामने देख पाओगे, जिसे कि आपको टॉप लाइन के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस गाड़ी का डिटेल्ड ऑलराउंड रिव्यू करने वाले हैं। अभी का इस गाड़ी का आपको ऑन रोड प्राइस क्या है, इसके इंटीरियर आपको कैसा देखने को मिलेगा, एक्सटीरियर आपको क्या दिया गया है, और साथ साथ इसमें आपको क्या क्या बेस्ट फीचर्स देखने को मिलेंगे, हर एक उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल को देख पाओगे, आपको सबको अच्छे डिजाइन में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखोगे, जहाँ पे आपको स्टेप में ग्रिल देखने को मिलेगा, आपको टोटली यहाँ पे क्रोम के यूज देखने को मिलेंगे। बीचों बीच आपको फॉक्स वेगन का आपको लोगो मिल जाता है, जो कि यहाँ पे भी आपको क्रोम का यूज देखने को मिलेगा। हेडलाइट सेक्शन की ओर आओगे तो नीचे में आपको यहाँ पे इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको LED में दिया गया है। यहाँ पे आपको DRL लाइट देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको LED में प्रोजेक्टर लाइट दिया गया है, और इधर आप देखोगे जहाँ की आपको रिफ्लेक्टर लाइट के यूज देखने को मिलेंगे। जस्ट नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो इसका फॉग लैम्प, जो कि आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है, और इसके चारों ओर देखोगे जहाँ की आपको क्रोम के यूज देखने को मिलेंगे। नीचे वाला जो स्कीट प्लेट दिया गया है, ये भी आपको टोटली सिल्वर कलर में दिए गए, जिससे जो फ्रंट का डिजाइन है वो भी आपको बहुत ही ज्यादा बोल्ड देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के जब आप साइड प्रोफाइल को आओगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे जहाँ पे आपको 17 इंचेस के साथ आपको एलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा। बीचों बीच आपको फॉक्स वैगन को भी मेंशन किया गया। आगे में आपको डिस्क मिलता है, पीछे में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे, और आपको एक SUV कैटेगरी में आती है, जिस वजह से आपको यहाँ पे टोटली रफ ब्लैक कलर के साथ आपको क्लाइडिंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी देखोगे तो आपको बड़े पट्टी में आपको यहाँ पे क्लाइडिंग देखने को मिलता है, जिससे जो साइड का व्यू है वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। डोर हैंडल की ओर आओगे जहाँ की आपको ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों ही साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हो जो कि आपको टोटली क्रोम के यूज देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे जहाँ की आपको क्रोम के आपको लाइनिंग देखने को मिलते हैं, जिससे जो प्रीमियमनेस है वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा मिल जाएगा। ORBM देखोगे जो कि आपको डुअल टोन कलर में दिया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे रेड कलर देखोगे, जो कि आपको बॉडी कलर से आपका मिल जाता है, साथ साथ नीचे में आपको यहाँ पे रफ ब्लैक कलर के यूज किए गए, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर का भी ऑप्शन दिया गया है। जस्ट ऊपर में आओगे तो यहाँ पे आपको रूफ रेल्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको सिल्वर कलर में दिए गए, और पीछे में आपको टोटली ब्लैक कलर में शार्क फिन एंटीना का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको 50 लीटर के टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएंगे। गाड़ी के आप रियर प्रोफाइल की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको टोटली कनेक्टेड में आपको टेल लैम्प देखने को मिलेंगे। इस जगह पे ये जो आप देख रहे हो, जो कि आपको टोटली रिफ्लेक्टर दिया गया है। बीचों बीच आपको फॉक्स वैगन के आपको यहाँ पे लोगो मिल जाएंगे। नीचे में आपको यहाँ पे टाइगून को मेंशन किया गया, जो कि आपको क्रोम के साथ देखने को मिलता है। अच्छी बात यह है कि इसके रियर में आपको यहाँ पे कैमरे के भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, और इधर आप देखोगे जो कि आपको TSI को भी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, और यहाँ पे आपको रिवर्स लैंप और आपको यहाँ पे इंडिकेटर के भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। नीचे में आप ए पार्ट देखोगे जहाँ पे आपको 3 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी आपको टोटली क्रोम के यूज देखने को मिलेंगे। नीचे वाला ए पार्ट देखोगे जो कि आपको बहुत ही ज्यादा स्पोर्टियर डिजाइन में दिया गया है, आपको ग्रे कलर और इधर आपको ब्लैक कलर के यूज देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे भी आपको दोनों साइड रेड कलर के आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे। ऊपर की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको वाइपर का कंट्रोल दिया गया, डिफॉगर दिया गया, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाते हैं, और इस जगह पे आपको वाशर के यूनिट देखने को मिलेंगे। स्पॉयलर आप देखोगे जो कि आपको मोटे साइज में दिए गए, आपको बॉडी कलर में ही देखने को मिलता है। इसके बूट स्पेस की ओर आओगे तो इसमें आपको 385 लीटर के आपको यहाँ पे बूट स्पेस दिए गए। अच्छी बात यह है कि पार्सल ट्रे भी आपको पहले से मिल जाता है, और इधर आप देखोगे जहाँ की आपको फर्स्ट एड का किट दिया गया, और अंदर में आपको यहाँ पे लैंप भी देखने को मिलेंगे। इधर आपको कुछ टूल गेट देखने को मिल जाता है, और एक बार और भी अच्छी बात है कि इसका जो सीट है, जो कि आप 60-40 में स्प्लिट भी कर पाओगे। अगर आपका बूट स्पेस कम पड़ रहा है तब कोस आप सीट को फोल्ड कर सकते हो, और अपना जो बूट स्पेस है उसे आप इजिली बढ़ा पाओगे। नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि आपको 15 साइज के देखने को मिलते हैं। एलॉय व्हील तो नहीं मिलता है, बट आपको यहाँ पे स्टील रिम देखने को मिल जाएगा। और अभी गाइस देखोगे जो कि इसके मैं रियर सीट पर आ चुका हूँ, सीट आपको बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल देखने को मिलता है, आपको डुअल टोन कलर में देखने को मिलेंगे, और आपको टोटली फैब्रिक में आपको यहाँ पे सीट दिया गया है ग्रे कलर, और इधर आप देखोगे जो कि आपको डार्क ग्रे चाहे ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। आइसोफिक्स आपको यहाँ पे चाइल्ड माउंट देखने को मिलेंगे, और तीनों ही पैसेंजर के लिए आपको 3 अलग अलग सीट बेल्ट दिया गया है, और इसके आपको रिमाइंडर भी देखने को मिलेंगे। हेडरेस्ट आप यहाँ पे देखोगे जो कि आपको तीनों ही एडजस्टेबल देखने को मिलता है, अच्छी बात है, और साथ साथ बीचों बीच आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया
गया। इधर आओगे जहाँ की आपको रियर में रियर एसी वेंट्स देखने को मिल जाएगा। नीचे में आपको यहाँ पे दो टाइप सी चार्जिंग के स्लॉट दिए गए और बीच वाला जो हम्प है वो आपको बहुत ही ज्यादा कम रखा गया है, जिससे एज सच आपको जो बीच वाला आदमी बैठेगा उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। स्पेस आप देख सकते हो जो कि आपको लेग रूम हो चाहे थाई रूम हो चाहे हेड रूम हो, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तीन आदमी आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो और ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों ही साइड आपको यहाँ पे सीट के पीछे मैगजीन होल्डर के भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ड्राइवर सीट पे चलो, उससे पहले आप इसका की देखोगे जो कि आपको दो रिमोट की देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको फ्लिप की भी दिया गया है, जहाँ से कि आपको लॉक अनलॉक और यहाँ पे आपको बूट रिलीज करने के लिए आपको यहाँ पे बटन भी देखने को मिलते हैं। उतना ज्यादा प्रीमियम नहीं बट आपको ठीक ठाक की देखने को मिलेगा। रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया, इसे आप जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे आप इसका डोर ट्रिम देख सकते हो जो कि आपको डुअल टोन कलर में दिया गया है। इधर आपको ग्रे कलर, इधर आपको टोटली ब्लैक कलर दिए गए। ये सब पार्ट तो कहीं भी सॉफ्ट टच नहीं मिलता है बट ये पार्ट देखोगे जो कि आपको टोटली सॉफ्ट टच के साथ दिया गया है। आपको यहाँ पे लेदर के यूज देखने को मिलेंगे। चारों ही विंडो का आपको यहाँ पे कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, इससे आप यहाँ से लॉक कर पाओगे। ORBM आप यहाँ पे देखोगे जो कि आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और आपको यहाँ पे फोल्डेबल फंक्शन के साथ मिल जाता है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे दिया गया। नीचे में आपको यहाँ पे बोतल होल्डर देखने को मिलेंगे और ऊपर में देखोगे जो कि आपको इनसाइड डोर हैंडल आपको ग्रे कलर के साथ मिलते हैं और इसे लॉक अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे बटन देखने को मिल जाएगा। स्पीकर और आपको ट्विटर के ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेंगे। सीट की ओर आओगे तो इसका जो सीट है जो कि आपको ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड जो कि आपको दोनों ही वेंटिलेटेड सीट देखने को मिलता है। इसका हाइट है जो कि आप यहां से एडजस्ट कर पाओगे मैनुअली ही। पीछे आप यहां पे रिक्लाइन और इनक्लाइन करने के लिए यहां पे जगह दिया गया, ये भी आप मैनुअली कर पाओगे और आगे पीछे आप यहां पे सीट को भी आप मैनुअली ही कर सकते हो। नीचे हम आप यहां पे देख सकते हो जो कि आपको फॉग लैंप का लाइट दिया गया और जो लाइट ऑन ऑफ करने के लिए आपको यहां पे जगह देखने को मिल जाता है और हेडलाइट लेवलर के लिए आपको यहां पे जगह मिल जाएगा। इंटीरियर में सबसे पहले आप इसका स्टेयरिंग देखोगे जो कि आपको डी कट में देखने को मिलता है। आपको टोटली लेदर के यूज देखने को मिल जाएंगे। बीचों बीच आपको फॉक्स वैगन का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। ये आपको हॉर्न दिया गया और इस गाड़ी में आपको टोटल 6 एयरबैग देखने को मिलता है, जिससे जो सेफ्टी रेटिंग है बहुत ही ज्यादा आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। इधर आपको टोटली ग्रे कलर के यूज मिलेंगे। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक कलर का यूज दिया गया है। इधर आप देख सकते हो जो कि आपको MID का जो भी कंट्रोल हो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे देखोगे जहाँ की आपको क्रूज कंट्रोल दिया गया है, लाइन असिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आप जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है उससे आप यहाँ से भी कंट्रोल कर पाओगे। इधर आप देख सकते हो ऑटोमेटिक वाइपर के कंट्रोल मिल जाएंगे और इधर आपको हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं और इसका जो स्टीयरिंग है जो कि आपको टिल्ट और साथ साथ आपको टेलीस्कोपिक फंक्शन के साथ देखने को मिलता है, जिससे कि आप अपने हिसाब से इसका स्टीयरिंग है वो आप एडजस्ट कर पाओगे, जिससे जो ड्राइविंग का क्वालिटी है वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। और गाइज यहाँ से इसका आप MID देखोगे जो कि आपको फुल्ली डिजिटल में दिया गया है। ऊपर में आपको डिजिटल में क्लॉक और इधर आपको टेम्परेचर जो भी है इनसाइड और आउटसाइड वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। बीचों बीच आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएंगे, इधर आपको टेम्परेचर शो कर जाता है। चेक इंजन का लाइट आपको यहाँ पे दिया गया, ओडोमीटर, ट्रिप वन, ट्रिप टू, हर एक कुछ मिल जाता है। इधर आपको फ्यूल गेज मिल जाएंगे, बैटरी इंडिकेटर, सीट बेल्ट का वार्निंग और इधर आपको इंजन मल फंक्शन दिया गया है। इसमें आपको हर एक कुछ एवरेज क्या दे रही है गाड़ी, रेंज क्या है और आप कब से चला रहे हो गाड़ी वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टाइमर के ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए और इसे आप टॉगल करने के लिए ए बटन देखोगे। इस वाले बटन को जब दबाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे जहाँ की आपको सेटिंग दिया गया है। नीचे की ओर आओगे जहाँ की आपको नो डिस्प्ले मिल जाएगा, इकोनॉमी मिल जाएगा, एवरेज इकोनॉमी दिखाने वाला है और यहाँ पे आपको गियर का जो भी डिस्प्ले वो आप यहाँ पे शो कर जाएगा। फिर से आपको यहाँ पे सेटिंग चला जाएगा। इसके जब अंदर आप इंटर करोगे तो आपको और भी ज्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो ड्राइविंग का जो डाटा है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इकोनॉमी मिल जाएगा, एवरेज इकोनॉमी आपको, डिस्टेंस टाइम मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगा, गियर डिस्प्ले मिल जाएगा, ऑडियो, टेलीफोन और यहाँ से आप इसे बैक कर पाओगे। और इस तरह जब आप टॉगल करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी आपको सेटिंग दिया गया, नो डिस्प्ले, ड्राइविंग डेटा, डिस्टेंस टाइम, एवरेज स्पीड, ऑडियो, टेलीफोन, आपको हर एक कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। फीचर लोडेड आपको यहाँ पे मीटर कंसोल दिया गया, आपको अच्छे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इधर आप इसका इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखोगे, ये भी आपको 10 इंच का दिया गया है। यहाँ पे भी आपको बहुत ही ज्यादा स्मूथनेस के साथ देखने को मिलता है, आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि आपका लैग कर रहा है। इधर आपको क्विक सेटिंग देखने को मिल जाएगा, जहाँ से कि आप कुछ सेटिंग कर पाओगे, स्क्रीन ऑफ कर सकते हो, ऑडियो, और यहाँ पे आपको कनेक्ट करने के लिए जगह मिल जाएगा, प्रोफाइल दिया गया, लाइट दिया गया, वेलेंट मोड आपको यहाँ पे दिया गया। इस सिस्टम पे जाओगे यहाँ पे भी आपको कुछ बहुत सारा कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है। एप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन जो भी आएगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड्रॉइड एंड ऑटो कारप्ले आपको टोटली वायरलेस ही देखने को मिलेंगे और इसके चारों ओर यहाँ पे भी देखोगे जो कि आपको टोटली ग्लॉसी ग्रे कलर के यूज देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाएगा, इस जगह पे आपको वेंटिलेटेड जो सीट है ड्राइवर और को ड्राइवर साइड वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर पाओगे। हजार लाइट आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ करने के लिए ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे एसी दिए गए। ब्लोअर का जो स्पीड है वो आप यहाँ से कर सकते हो। टेम्परेचर आप अपने हिसाब से यहाँ से कम ज्यादा कर पाओगे और जो डिफॉगर है वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। एसी को आप ऑटो में भी डाल सकते हो और यहाँ से ऑफ भी कर पाओगे।
सबसे नीचे आओगे तो ये आपको मैंने की दिखा दिया है, इस जगह पे आपको वायरलेस चार्जिंग पैड देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो जहाँ की आपको दो टाइप सी के आपको यहाँ पे चार्जिंग के स्लॉट भी दिए गए हैं, जहाँ से कि आप अपने मोबाइल को इजिली चार्ज कर सकते हो। इंडियन स्टार्ट स्टॉप के बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको इस जगह पे मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको टोटली पियानो ब्लैक कलर के यूज मिलेंगे, इधर आपको ग्रे कलर का यूज दिया गया है। 6 गियर के इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको टोटली लेदर के यूज देखने को मिलेंगे। नीचे में देखोगे यहाँ पे आपको दो कप होल्डर दिया गया है, साथ साथ यहाँ पे भी आपको मोबाइल रखने के लिए जगह मिल जाएगा। आपको मैनुअल में आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक देखने को मिलेंगे और जो आर्मरेस्ट दिया गया है जो कि आपको टोटली सॉफ्ट टच के साथ मिलता है, लेदर के यूज यहाँ पे भी मिल जाएंगे। और इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको डिसेंट सा स्पेस देखने को मिल जाएगा। इधर आप ग्लव बॉक्स की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको नॉर्मल डिसेंट सा ग्लव बॉक्स दिया गया, डिसेंट सा स्पेस देखने को मिल जाएगा। उधर आपको एसी वेंट्स देखने को मिलेंगे। ऊपर की ओर आओगे तो को ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे मिरर मिल जाता है, लाइट के ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिए गए। अच्छी बात यह है कि जो इसका आईआर भी मिलता है जो कि आपको ऑटोमेटिक ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एलईडी में बल्ब देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको दोनों ही साइड दिया गया है। और यहाँ पे आपको सनरूफ के कंट्रोल दिए गए हैं, सनरूफ आप यहाँ पे देखोगे जो कि आपको ठीक ठाक खुलता है, जैसे दो आदमी आप यहाँ से इजिली निकल सकते हो। और ड्राइवर साइड आओगे तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर के आपको प्लेसमेंट देखने को मिलेंगे। तो मैंने कहा जी इस गाड़ी के इंटीरियर और एक्सटीरियर में आपको जो जो फीचर्स थे वो मैंने आपको हर एक कुछ अच्छे से बता दिया है। अब इस गाड़ी का मैं आपको इंजन के बारे में बताता हूँ। 1.0 लीटर का आपको TSI पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा जो कि आपको 115 BHP का पावर और आपको 178 Nm का ये गाड़ी आपको टॉर्क देने वाली है। पावर एंड टॉर्क में आपको कहीं भी लैग नहीं देखने को मिलता है, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे पावर एंड टॉर्क मिलेंगे। माइलेज अप्रोक्स आप देखा जाए तो 15 से 18 किलोमीटर पर लीटर का आप आराम से निकाल पाओगे। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस गाड़ी को कितने अच्छे से राइड करते हो। जितने अच्छे से राइड करोगे आपको माइलेज उतना अच्छा मिल जाएगा। सेफ्टी फीचर्स तो आपको मैंने बताया कि ग्लोबल एनकैप में आपको 5 स्टार रेटिंग अचीव कर चुकी है। साथ साथ इसमें आपको 6 एयरबैग का स्टैंडर्ड देखने को मिल जाएंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, हर एक फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। और गाइज लास्ट में इस गाड़ी का आपको एक्स शोरूम प्राइस बताता हूँ। 16,11,000 रुपीज इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है। और जो ऑन रोड प्राइस पड़ता है हमारे शहर रांची में जो कि आपको 18,70,000 रुपीज देखने को मिल जाएगा। शोरूम का जो भी डिटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैंने कहा जी इस गाड़ी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थे इसके डिटेल्ड रिव्यू में वो मैंने आपको हर एक कुछ अच्छे से बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन होता तब बस आप कमेंट करके पूछ पाओगे और साथ साथ आप अपने इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।